इसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं। इससे पहले कि बेन्यामिन नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला ले, वो तीन बहुत ही गंभीर क्राइसिस से घिर चुके हैं। अब इसराइल की सेना को डर है कि कहीं इस हालात का फायदा ईरान ना उठा ले। देखिए रिपोर्ट। चौबीस घंटों के अंदर इसराइल और ईरान की टक्कर में तीन बड़ी घटनाओं ने बेन्यामिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर वन, अमेरिका ने इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू को शॉक नंबर टू, इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर तीन, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर देखकर इसराइल खौफ में डूब चुका है। इस वक्त ईरान के इसराइल पर हमले और गाजा पर इसराइल की लगातार बमबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक फोर्स इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, इसराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस बटालियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खूब जुल्म ढहाए हैं। देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि बहुत बड़े विवाद में घिर चुकी है इसराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन। इस बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन का इल्जाम है। 1999 में बनाई गई बटालियन में सिर्फ पुरुष सैनिक हैं और वो भी अति रूढ़िवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है। नेत्जा यहूदा बटालियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2023 से पहले के हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहां 460 से ज्यादा लोगों की इसराइल की सैन्य कार्रवाई में मौत हो चुकी है। इसराइल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। इसलिए यही है बेन्यामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर वन। नेत्जा यहूदा बटालियन पर पाबंदी का मतलब इसराइल की सेना पर काला धब्बा। नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है। बाइडन का आक्रामक रवैया देखकर नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन ऐसा आया है कि साफ लग रहा है कि इसराइल अब ईंट से ईंट बजा देगा, उसकी राह में जो आएगा तबाह कर दिया जाएगा। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל... अब देखिए, बेन्यामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर टू। इजरायली सेना के इंटेलिजेंस चीफ एहरॉन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने इजरायली टैंकों को जलते हुए देखा। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई। इसी के बाद से इसराइल में अंदरूनी कोहराम मचा था। इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल एहरॉन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया। ये ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। गाजा पर रोजाना नॉन स्टॉप बमबारी के बावजूद इसराइल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अब भी खाली हाथ है। 2024 में अप्रैल का महीना इसराइल के लिए ही नहीं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है।
अमेरिका इसराइल की मदद करने की बजाय उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है। इसराइल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच ईरान से बड़े युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मिलिट्री कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इसे ईरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है, क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इजरायल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं। इसराइल का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था, क्योंकि 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। जबकि इसराइल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अप्रैल की रात ईरान की कुछ मिसाइल इसराइल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयरबेस पर गिरी थी। इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इसराइल की साख पर गिर रहे हैं। नेतन्याहू के कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इसराइल की पब्लिक पूछ रही है कि गाजा में बंधक बनाए हुए लोग कब आजाद होंगे। इसराइल से लगातार पूछा जा रहा है कि ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहां है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि ईरान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी संसद में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है। चोरों ने पाकिस्तान की संसद से सांसदों के चप्पल जूतों को गायब कर दिया। बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पाकिस्तान में भिखारियों को लेकर एक बहुत खतरनाक ऑर्डर जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे के ठीक पहले पाकिस्तानी संसद परिसर में स्थित मस्जिद से 20 जोड़ी जूते चप्पलों पर डकैती पड़ गई। ये डकैती दिन दहाड़े हुई, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हुई, लेकिन इसे देख कोई नहीं पाया। और जब खबर मीडिया के सामने आई तो सुरक्षा कर्मियों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो जवाब क्या दें, इसलिए वो अपना सिर खुजलाने लगे। मिड हाउस की मस्जिद से नमाज जुमा के बाद एक दर्जन अफराद की जूतियां चोरी कर दी गई हैं। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाजियों के जूते चोरी करने वाला कौन था? स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मतलब अगर आप पाकिस्तान में हैं तो खुद की जान सहित अपने सामान की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ईरान के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान पहुंचे तो क्या हुआ। इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे की तारीख जैसे ही फिक्स हुई, शाहबाज और मुनीर की मानो बांछे खिल गईं। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि विदेशी मुल्क का इतना बड़ा मेहमान उनके खस्ता हाल मुल्क का दौरा भी कर सकता है, लेकिन खबर सच थी। इसलिए तुरंत ही शाहबाज शरीफ ने अपना पुराना कटोरा निकाला, उसकी साफ सफाई की और शाहबाज ने कटोरा हाथ में उठा लिया। यानी शाहबाज ने ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही भीख लेने की पूरी तैयारी कर ली। तो जनाब, शाहबाज और मुनीर ने कटोरा लेकर भीख मांगने की पूरी रिहर्सल कर ली थी। वैसे पुरानी कहावत भी है कि भीख मांगने के लिए भी वेश धारण करना पड़ता है, सो पाकिस्तान ने वही किया। ईरानी राष्ट्रपति का जहाज जैसे ही पाकिस्तान में लैंड हुआ, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक इब्राहिम रईसी के वेलकम में पाकिस्तान इस कदर बिछ गया कि उनका कराची दौरे का कार्यक्रम बना तो पूरे कराची शहर को ही बंद कर दिया गया। शहबाज की सरकार और मुनीर की आर्मी ने इसकी कोई वजह नहीं बताई, लेकिन मीडिया के सूत्र बताते हैं कि यह फैसला कराची के भिखारियों की वजह से लिया गया ताकि इब्राहिम के सामने मुल्क की साफ सुथरी इमेज को पेश किया जा सके। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान में भीख मांगना कोई शर्म की बात नहीं रही, बल्कि बाकायदा ये अब एक प्रोफेशन बन गया है। खैर, इसकी बात आगे करेंगे, अभी बात ईरान की।
अब आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के भीख मांगने वाले कटोरे को ईरान ने कितना भरा है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बैठक का मुद्दा पाकिस्तान ईरान के बीच की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जो पैसे की कमी से सालों से लटकी हुई है। ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بدون کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنیم. اب پاکستانی کٹوری کی کہانی آگے سنیے. پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ہر روز آہستہ آہستہ رساتل میں گھستا جا رہا ہے. ملک میں روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں ہے، اور ایسے میں اگر یہ پائپ لائن کا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا تو پاکستان پر 1.5 لاکھ کروڑ روپے کا جرمانہ لگ سکتا ہے۔ اب جس ملک میں دال تو چھوڑیے آٹا بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے لاتا 1.5 لاکھ کروڑ روپے؟ ایران سے اس ڈیل کو لے کر امریکہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مارچ 2023 میں پاکستان نے ایک ڈیلیگیشن واشنگٹن بھیجا تھا۔ اس کا مقصد امریکہ سے پروجیکٹ آگے بڑھانے کے لیے چھوٹ مانگنا تھا، تاکہ وہ ایران کے چلتے ان پر کوئی پابندی نہ لگا دے۔ حالانکہ امریکہ نے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا، لیکن پچھلے سال پاکستان کے کاریواہک پردھان منتری انوار الحق کاکڑ کی انترم سرکار نے پروجیکٹ کے ایک حصے کو منظوری دے دی۔ اسی وجہ سے پاکستان 80 کلومیٹر لمبی گیس پائپ لائن بچھانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کے دباؤں کی وجہ سے اسے لگاتار جھکنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی حالت کو سمجھنے کے لیے اس خبر پر بھی غور کیجیے۔ پاکستان میں نئی سرکار کے گٹھن کے بعد ہی پاکستان کے وزیر اعلی صاحب شی جن پنگ کے ملک جانے کی تیاری میں تھے، لیکن چاہ کر بھی شہباز کا چین دورہ اب تک نہیں ہو پایا، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے کئی ویمان آسمان میں اڑنے کی جگہ ایئرپورٹ پر دھول پھانک رہے ہیں، اور جانکاری کے مطابق شہباز کا پلین بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کا ہی ہے۔ اب پاکستانی سنسد پریسر سے غائب ہوئے جوتے چپلوں کی خبر بھی جان لیجیے۔ سنسد میں ہوئی ایسی گھٹنا پر اسپیکر نے جانچ کے آدیش دیے ہیں۔ سنیوکت سچیو پرشاسن اور سارجنٹ ایٹ آرمز استر کے ادھیکاریوں کو گھٹنا کی جانچ کرنے کا کام سونپا گیا ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی نگرانی کے مادھیم سے اپرادھیوں کی پہچان کرنے کے پریاس جاری ہیں۔ چلیے چین سے آپ کو خبر بتا دیں، جہاں کے لیے یہ بری خبر ہے، کیونکہ پاکستان کی طرح چین میں بھی ارتھ ویوستھا پوری طرح سے ہل چکی ہے۔ پراپرٹی بازار سے لے کر سبزی منڈی تک چین کی حالت پست ہے۔ سب کہ